दोस्तों, आज मैं आपको आपके बचपन की यादें ताज़ा करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यह जगह तो आपको दिख ही रही होगी, ढलवां चट्टान है। कुछ याद आया इसे देखकर? सही पहचाना आपने, मैं आज आपको पहाड़ की फिसल पट्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंग्रेजी में कहें तो स्लाइड। उत्तराखंड में इसे घुसगड़ी, रड़न, घिसरोड़ी, रड़ा घुसी, खुल्ला नामों से जाना जाता है। इस तरह के ढलवां पत्थर यानी स्लाइडिंग स्टोन पर आप भी कभी खिसकते हुए ऊपर से नीचे तक आए होंगे। उंदर इंद लगी लंबी पटालम छुट्टे नौ नैना बेटी बुआरी बैग अर बुढ़े भी रड़दा छा कभी घुसगिड़ी खेन की प्रतियोगिता भी हूंद छे कभी घुसगिड़ी खिल दा लमडने डेर सुलार चिरेने डेर रेंद छे यान नौना नौनी घोरोलों की धमकन भी खांदा छाए। हम इसे दुगदन की घुसगिड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर दो गदना यानी दो छोटी नदियों का संगम होता है। अब मैं आपको घुसगड़ी के बारे में कुछ नई बातें बताते हुए इस पुरानी पड़ चुकी घुसगड़ी की सैर करवाता हूँ। अब देखिए कि कभी यहाँ पर बहुत फिसलन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर घास उगाई है और बच्चे अब इसी घास के जरिए ऊपर चढ़ रहे हैं। पहले इस पर इस तरह से चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। बड़ी मुश्किल से हम ऊपर जाते थे और तब जाके घुसगड़ी खेलते थे। चट्टानी फिसल पट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह सदियों से मनोरंजन का साधन रही है, लेकिन पार्कों में लगी स्लाइडर का इतिहास महज 100 साल पुराना है। और ये देखिए, इस घुसगड़ी में मेरी भांजी रचना बंधानी कैसे ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, ऊपर चढ़ रही है। पहले कभी हम इसी तरह से घुसगड़ी में ऊपर तक जाते थे और तब फिसल कर नीचे आते थे। यहाँ पर आपको मैं जो रड़ा घुस्सी दिखा रहा हूँ वह कभी चिकनी होती थी, जिसमें ऊपर से नीचे आने तक पहुँचना रोमांचक होता था। कभी चोट भी लगती थी, लेकिन दर्द चुपचाप सहन करना पड़ता था। अब इसमें घास उगाई है। मोबाइल के इस युग में इन घुसगड़ी की सुध लेने वाला कौन है? कोई नहीं। घसेरी का प्रयास अपनी ऐसी पुरानी यादों को समेटना है और इसलिए हम विशेष तौर पर इस घुसगड़ी तक पहुँचे। उम्मीद है कि इससे आपकी बचपन की कई यादें ताज़ा हुई होंगी, क्योंकि हर गांव में इस तरह की फिसल पट्टी कभी न कभी जरूर रही होगी। आ रहे, आ रहे।